लोगों में एक लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आशीष आप बने रहिए, आशीष आप बने रहिए, आप बने रहिए। जरा कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे, अलग अलग जगहों पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लगातार बरसात हो रही है। अलवर की हम बात करेंगे क्योंकि अलवर में भी लगातार बारिश बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोग वहां पर भी बहुत ज्यादा परेशान है। स्वदेश का रुख करेंगे, सीधा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं। स्वदेश बताएं अलवर में क्या हाल इस वक्त, मौसम के कैसी है जिंदगी लोगों की बेहाल? स्वदेश आपको बताओ, आप देखिए पेट पेट फिट पानी है। मैं सिखाना चाहूंगा श्री राजस्थान के दस लोगों, आप देखिए पेट फिट पानी में लोग निकल रहे हैं। मैं खुद उसी पानी में खड़ा हुआ हूँ, गाड़ियों की नीलम तेल रुकी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा पेट फिट पानी आ रहा है। ये विकास है दोनों सरकारों का, डबल इंजन सरकार का विकास देखिए आप कितना बड़ा विकास है। कोई यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नगर निगम नी का, आप देख सकते हैं पूरे इलाके में। ये होटल देखो सामने डेढ़ दो से फीट अधिक पानी है, आप देखिए पानी भरता जा रहा है। और एक देखो आदमी अपना धंधा चौपट चढ़ा हुआ है। अभी समय हो रहा है 10:30-11 बज रहे हैं, और आप देखिए पूरी कितनी बड़ी व्यवस्था है। ये अजमाल धर्मशाला है, पीछे मेरे बस स्टैंड है, मैं खुद इस मौके पर खड़ा हूँ। यहाँ से सारे बांध और मैं पानी आ चुका है, 11 के 11 बांध में पानी आ चुका है। हम जी राजस्थान के 10 लोगों को दिखा रहे हैं इतना पानी है कि लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पर्यटक स्थलों पर लगाई गई है जिससे लोग वहां नहीं जाए, क्योंकि विगत दो दिन पहले ही नंदेश्वर के नाले में करीब 500 लोगों का रेस्क्यू करके निकाला गया था। सिटी तौर पर मोरिंडा की नदी गए या सावी नदी गए या रूपनेर की नदी जो सरिस्ता और आदि की वादियों में आ रही है उसमें भयंकर पानी आ रहा है। पानी इतना है कि लोग बचाव के लिए भाग रहे हैं और हर जगह एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगा रखी है। आप ही साहब मैं सिर्फ दिखाऊंगा, देखिए गाड़ी टूट गई, आप देखिए सीधे राजस्थान के दस तक देखिए गाड़ी टूट चुकी है पानी में, पीछे पीछे आप देखिए पूरी वहां तक देखिए आप गाड़ी टूट चुकी है। लोग रिस्क लेते जा रहे हैं। हम अपील करते हैं सभी अपने दर्शकों से कि वो इस तरह की किसी भी दुर्घटना या इस तरह की कोशिश ना करें कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। आप देख सकते हैं इस सब का इतना चौपट है आज, बिल्कुल सुबह जब रात से बारिश शुरू हुई है जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 इंच बारिश यहाँ पड़ी है, 16 मिनट में है। और आपको बताना चाहूंगा इससे ज्यादा ये बेरोड कोटपुतली आपसे हमारा जो मानसेना है अलवर ग्रामीण जो विधानसभा के कारण ड्यूटी रिक्वेस्ट है वहां पर, उसके बाद थानागाजी में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। इस पानी की वजह से है और आपदा प्रबंधन की टीम हर जगह मौके पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पूरी टीम को सूचित करके हर थाने को ऑर्डर निकाल दी है कि सभी अपने जितने भी पर्यटक स्थल जहाँ जहाँ आते हैं या स्वदेश जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल है स्वदेश। और इस स्थिति में लोकल बॉडीज क्या काम कर रही हैं और नुकसान कितना हुआ होगा जिस प्रकार से जल जमाव आप दिखा रहे हैं उस प्रकार से? नुकसान बहुत हुआ है, जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो मतलब केले की थैली लगाते हैं, कड़ी कचौड़ी बेचते हैं, अपने पकौड़ी बेचते हैं, उनका सबका बंद है। आज मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं शहर के बिल्कुल मध्य में हूँ जहाँ ये हालात है। 2 फीट पानी आप देखिए गौर से, पूरा का पूरा पानी देखिए आप। ये देखो दुकानों पर लोग केवल अपनी दुकानें जिन्होंने सुबह खोली थी बस खड़े हैं, अभी कोई ग्राहक नहीं है, लोग पैदल घूम रहे हैं। आप देखिए पीछे देखिए आप, निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक से एक हाथ पकड़ के निकल रहे हैं। यही हालात आज से 2 दिन पहले हमने जी राजस्थान के दर्शकों को दिखाए थे नंदेश्वर के नाले में, जहां पर लोग फंस गए थे जिनको पुलिस विभाग की टीम एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने दिखाया। यहाँ अभी तक इस शहर में कोई भी यूआईटी और नगर विकास न्यास जो नगर निगम है इसकी कोई टीम नजर नहीं आ रही है, बस पानी चारों ओर पानी पानी है और इस पानी को देखते रहिए लोग बस अपने घरों में दुबके पड़े हैं। ये बारिश कच्ची बस्ती है, यहाँ अकेपुरा का हो या दिल्ली दरवाजा बाहर का हो या आप कालाकुआ की बस्तियों को कहो, वहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, हर जगह पानी है। लोग दुहार लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं नगर निगम यूआईटी में कि हमारे यहाँ किसी गाड़ी को जेसीबी को भेज दो जिससे ये नाला खुलासा कहीं से कूड़ा हट जाए तो पानी निकल जाए। ये आप देख सकते हैं श्री राजस्थान को एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, देखिए 1.5 फीट पानी में गाड़ी जा रही है, लोग रिस्क ले रहे हैं। हमारे पीछे एक बाइक चालक है, आप देखिए कैसे रिस्क ले रहे हैं पूरे 1.5 फीट पानी में। इधर देखिए आप, देखो पानी में फंसते जा रहे हैं पर बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। बार बार प्रशासन चेतावनी दे रहा है, बहते पानी में दूर रहिए। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, जी राजस्थान की टीम
अभी बस स्टैंड और मेन मुख्य मार्ग विनय मार्ग पर खड़ी हुई है, जो लगातार यहाँ से वाला किला की पहाड़ियों तक जाता है। क्योंकि हमारा कैमरा नहीं दिखा पाएगा, बड़ी जोर की बारिश हो रही है वहां तक, वो देखे तो पहाड़ों पर इतना पानी है, ऊपर वही सरिस्का के क्रॉस काम है, बहुत ज्यादा पानी है, जो तालाब अब रिस रहा है। अभी भी बड़ी बाढ़ आ सकती है, उसके लिए अभी तक कोई भी प्रबंधन नहीं किया है, केवल मिट्टी का कट्टे डाले थे। जी।